नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी फिर से एक बार आपको बताने जा रहा हूँ घर पर फ्लूट कैसे बनाएं। ये फ्लूट बनाई मैंने, एफ नेचुरल स्केल है इसका, ये देखिए एफ नेचुरल 72 सेंटीमीटर लंबी फ्लूट है ये, मतलब 28.5 इंच लंबी और सेंटीमीटर में देखेंगे तो 72 सेंटीमीटर लंबी फ्लूट है ये। पीवीसी पाइप पे बनी हुई है, 25 एमएम का पाइप है ये। इसका जो इनसाइड डायमीटर है वो 2.2 एमएम है, देख सकते हैं आप 2.2 एमएम इसका इनसाइड डायमीटर है। आइए इसके मेजरमेंट के बारे में देखते हैं, मेजरमेंट कितना होना चाहिए। जी देखिएगा, ये देखिए इसका जो फर्स्ट होल है, ब्लोइंग होल ये वाला 10.5 एमएम पर है, 10 सेंटीमीटर 5 एमएम, 10.5 इसका ब्लोइंग होल है। इसका इनसाइड डायमीटर होता है 10 एमएम। और इसके बाद ये देखिए इसका ये फर्स्ट नंबर होल है, सॉरी ये 37.2, ये आपको होल का सेंटर बता रहा हूँ, 37.2 सेंटीमीटर। इसके बाद इसका ये सेकंड नंबर होल है 41.6 सेंटीमीटर, और इसका इनसाइड डायमीटर जो रहता है वो 9 एमएम है, 9 एमएम इसके होल है 46.1, और इसका डायमीटर अंदर का रहता है 8 एमएम। इसके बाद इसका ये फोर्थ नंबर होल है 52.2, और इसका डायमीटर भी 8 एमएम है। इसके बाद ये इसका पांचवा होल है 55.4 सेंटीमीटर, इसका इनसाइड डायमीटर 9 एमएम है, सॉरी। इसके बाद ये इसका छठा नंबर होल है 61.5 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर अंदर का 7 एमएम है। इसके बाद देखिए हमने एक होल और लास्ट में किया है, ट्यूनिंग होल, ये है 68.6 पर, 68.6 सेंटीमीटर इसका ये ट्यूनिंग होल है। अब देखिए इसकी आपको आवाज भी सुना देते हैं। हाँ, एक चीज और बता दूं पहले, इसका जो ट्यूनिंग कोर्क है, ये हमने यहाँ ट्यूनिंग कोर्क लगाया है, ये ट्यूनिंग कोर्क आपको लगाना है 3.80, यहां से स्टार्ट करना आपको ट्यूनिंग कोर्क 3.80 सेंटर से लेकर और यहां तक 3.8। चलिए आपको आवाज सुना देते हैं, ये देखिए। आप इसको चेक कर सकते हैं किसी भी ट्यूनर से, आपको गूगल प्ले स्टोर में ट्यूनर मिल जाएगा कोई भी तो आप वहां से कोई भी ट्यूनर लेके आप इसकी ट्यूनिंग चेक कर सकते हैं। ये देखिए बता दूं आपको, ऊपर के तीन होल आपको कवर करने हैं और ब्लो करना है इस तरीके से, इस तरीके से ब्लो करेंगे तो आवाज ये आएगा F4 दिखाएगा आपको, ट्यूनर के अंदर दिखाएगा F4 का मतलब है F नेचुरल। ये देखिए आप चेक कर भी सकते हैं इसको, तो ये है आपका F4 का मेजरमेंट इसका। ये देखिए आप इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, ये मैंने सारा इसमें लिखा हुआ भी है, ये देखिएगा। ये देखिए आपको दिखाई देगा क्लियर एकदम, आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, ये पूरा मेजरमेंट है इस बांसुरी का।
ठीक है दोस्तों, नमस्कार, आज के लिए इतना ही, फिर अगली बार मुलाकात होगी। थैंक यू।